बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो स्वागत और आज वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है मेक जोक ऑफ एमजेओ पापा छुट्टी बाय सौरभ शुक्ला। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो कर इनके चैनल को, उसके मेरे ब्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। हम ध्यान लगा रहे हैं, जब तक हमारी आंख खुले तब तक हमारा जूता हमको मिल जाना चाहिए। हमने कल वही उतारा था, हमसे कोई मतलब नहीं। ढूंढ के दीजिए, हमको ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा, हमारा ऑडिट लगा आज। तो एक दिन चप्पल पहन के नहीं जा सकते, जूता 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 कर रहे हैं। हाँ, हम लेबर हैं, चपरासी हैं, तो चप्पल पहन के जाएंगे ऑफिस। है एक जोड़ी आओ दे दो, कान में लटका चले जाए। पहली बात तो तुम्हें कान नहीं है, दूसरी बात लेबर चपरासी की इज्जत करो, ये लोग ना होना तो कोई काम नहीं हो सकता। छोटे आदमी की इज्जत नहीं करता, उसका सत्यानाश हो जाता है। सॉरी, माफ कर दो, माफ कर दो, तुमसे सॉरी, तुम्हें लड़का सॉरी जो 10 बजे तक सो रहा है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही होगी। देखो देवता ने हुंकार भरी तो, बाबा सुनीता पुत्र श्री श्री 108 शुभम महाराज, निद्रा योग से कब उठेंगे प्रभु चिलगोजानंद। अरे पापा यार हम आपके पापा यार हैं। अरे हम आपके पापा नहीं, भक्त हैं गुरुदेव महाराज, भक्त हैं गुरु। अरे यार बाबा छुट्टी है, डीएम ने स्कूल बंद कर दिए, ठंडी की छुट्टी है। डीएम ने छुट्टी करी, बोर्ड तो नहीं कैंसिल कर दिए जो अगले महीने है, कि तुम्हारी जगह डीएम जाएगा लिखने पन्नी लेके। अरे पढ़ लेंगे, बहुत ठंडी है। ठंडी वंडी कुछ नहीं, तुम डरते हो ठंडी से। कोई ठंडी नहीं, तुम जाड़े से डरते हो। मैं नहीं डरता हूँ, मैं 2 डिग्री टेम्परेचर में नंगा नहा लूं, और नहाया है, नहा के जा रहा हूँ कमाने, अपना कर्तव्य निभाने। तुम सो गधाओ इसे रजैया पड़े पड़े। कोई असर नहीं, दस्ताने रख ले जाओगे गर्मी में ले जाएंगे, दस्ताने गर्मी में ले जाएंगे, जब चपट पर पसीना बहेगा तो उसी में भर लेंगे पाउच जैसे। इस आदमी से कितना कुछ कह लो, लेकिन इज्जत से बात नहीं कर सकता, क्या बताएं? अरे देवी महारानी, माफी माफी, महालक्ष्मी माफ कर दीजिए, आपके चरणों में साष्टांग दंड, साष्टांग दंड, साष्टांग दंड। यार ये क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं है, आप कुछ तो हो रहा है, कुछ हो रहा हो, सुबेरे सुबेरे तो पड़ोसी को चैन से जी लें दो। जाने रहाई नहीं मिली, फाट पड़ी हुआ के पैर पड़ रहे थे ना। अरे वो कुछ नहीं हो, तो सबके यहाँ होता है, सबके यहाँ नहीं होता भाभी, हमाया थे कभी पैर नहीं छुए। लेकिन हमाया होता है, हमाया का रिवाज है, मर्द ऑफिस जाता है मादा के पैर छूके जाता है। हमारे पिताजी छूके जाते थे, हम छूके जाते हैं, हमारा लड़का जाएगा बहू जाएगा। नहीं, महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। इज्जत हम कर लेंगे, आप क्या लेने आइए, कटोरी काहे के लिए आइए, जो इनको जाए। हाँ हमको एक सामान लेनी थी, लेकिन अच्छा हाँ सुनीता, कल जो प्रोबो ऐप शेयर करी थी वो क्या था? अरे प्रोबो ऐप इंडिया का पहला ट्रस्टेड ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है, 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं इसको। अच्छा कैसे क्या होता है इसमें? अरे सिंपल, यस/नो में जवाब देना होता है, अपना ओपिनियन दो, खूब प्रॉफिट कमाओ, हर तरह की कैटेगरी है, क्रिकेट क्रिप्टो फाइनेंस एंटरटेनमेंट इनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, जितनी नॉलेज उतना पैसा, हमको तो क्रिकेट सही लगता है। एडवर्टाइज हो गया हो तो आगे का काम किया जाए। अरे उठ गए हमारे देवता, अरे भाई, अरे हटो हटो भाई, राजकुमार उठ गया, हटो राजकुमार उठ गया, राजकुमार उठ गया, राजकुमार उठ गया, अरे अरे उठे नहीं है, टॉयलेट जा रहे। फिसल जाओ फिसल जाओ, हाँ तुम तो मुंडी ठीक कराते घूमे पूरी ठंडी, फिसल जाओ। यार पता नहीं कहाँ ढूंढे डाल रहे हो भाभी। अरे इनका जूता पता नहीं कहाँ रख दिया इन्होंने, नालिम तो नहीं डारी है? अरे नालिम कहाँ डारे आएंगे, हम 6 महीने का बच्चा है क्या जो नालिम डार आएंगे? अरे मजाक कर रहे हैं, ये एमजीओ की वीडियो चल रही है, मजाक कर रही हूँ, तुम सौरभ शुक्ला हो, मजाक कर रही हूँ। हाँ है, आओ कर ले, फेस रिवील कर ले, आओ। वैसे भाभी जूता इनके साली तो नहीं चुरा ले गई? इतना गुस्सा। आप यहाँ आई किसलिए? एक चीज थी लेनी, इसलिए जल्दी से वो चीज लेके जाइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए। अपने होठों में कीले गड़वा के सूली पे लटक जाऊंगा, लेकिन आपके सामने मुस्कुराऊंगा ना।
ना मुस्कान कौन बहुत मोती झड़ रहे तुम्हारी मुस्कान से। भाभी हमको चीनी दो हम जाएं, उनकी मुस्कान देखने नहीं आए थे। हाँ दे रहे हैं। ऐसा है पहले हमारा जूता धुना जाएगा। अरे भाभी हम बता रहे हैं नाली में डारियां हुई है, बता नहीं रहे। अरे आप तो पीछे है बढ़ गई एक चीज के। नहीं यार नहीं, 4 बजे से नहीं बे, दोपहर में रखो 1 बजे से, धूप रहेगी मैदान में। शूज नहीं नहीं, बैट नहीं ला पाएंगे हम, बैट रोहित से ले। हाँ ठीक ठीक। वाह अपॉइंटमेंट हो गया फिक्स, मैदान पड़ेंगे फिक्स। अरे खेल लेने तो भैया, अगले साल शिक्षा 10 में चला जाएगा, कहाँ टाइम मिलेगा, बोर्ड रहेंगे। अरे ये क्लास 10 में है तभी तो बिस्तर चला रहे हैं 10 बजे तक। अरे राम 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 राम, क्या होगा देश का भविष्य। क्या क्या होगा, ये लेटा तो है देश का भविष्य। अभी आराम से 12-1 बजे तक उठेगा, फिर बिना नहाए मंजन करेगा, कहो बिना मंजन करे खाना खा ले, देश का भविष्य। मसाला थूका ना? मसाला नहीं थूका एकदम, ये किया पिच किया किया डिसअपॉइंटमेंट वाला। रात काल उठ के रघुना था, मात पिता गुरु का वही माथा, उनके माथा ही नहीं ना भी क्या, सो रहे हैं सो। अरे यार पापा डीएम ने छुट्टी करी है, 1-2 दिन सो लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। डीएम ने छुट्टी अच्छा 9 तक करी है, तुम्हारी कहाँ है। डीएम का लड़का कक्षा 9 में पढ़ता है, उसने कक्षा 9 तक बंद कर दिए, 10, 11, 12 सब खुले। और अब प्री बोर्ड है 10th और 12th का, मिस रैंक लड़का का गया तो एड्रेस पे ही नहीं, रैंक लड़का गया तो एड्रेस पे ही नहीं, रैंक लड़का गया तो एड्रेस पे ही नहीं। Lost personas, all is hopeless in the game now. The wrong devotion flows through those who chase the same clout. The pollen floating through the industry got this congested. I'm XXL if they fit the pen in. Fuck who they pick as freshmen. I SMS it, DM it, and double send it till they get the message. भाई सबसे पहले तो सौरभ शुक्ला जी जो हैं, मैं भाई उनकी दाद देना चाहूँगा, क्योंकि जितने भी करेक्टर्स हैं सबसे पहले तो उनकी वॉइस ओवर वो खुद करते हैं, लिखते भी खुद हैं, फिर जिस तरह के वो सिनेरियोस क्रिएट करते हैं, मैं कहता हूँ भाई बहुत मजे का है भाई, मेक जोक ऑफ जो है ना हंसा हंसा के पागल कर दिए। मुझे लगता है कि ये ऑलमोस्ट आप कहीं ना कहीं पर देखते होंगे, तो आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हो। वैसे बीच में एक वर्ड यार वाला आया था जो मुझे बहुत ही रिलेटेबल एकदम गलती से मैंने भी कह दिया था, इसने भी कह दिया था, और उसके बाद की जो दुर्गत हुई उसके बाद उसने कभी ये हिम्मत नहीं हुई हाँ कि भाई इसने ऐसा कभी कुछ कहना है। सो मुझे लगता है कि हमारे यू नो सब कॉन्टिनेंट में पेरेंट्स इस तरह के होते हैं कि जो बहुत माइंड करते हैं अगर उनको इस तरह की बात की जाए। इनफैक्ट मेरी बड़ी बहन की अगर बात करें तो अभी तो उनको आदत पड़ गई है, बट पहले जब हम उनको बोलते थे तो उनको बहुत बुरा लगता था कि मैं तुम लोग की यार नहीं हूँ, मुझे यार मत बोलो। अब उन्हें जो है आदत पड़ गई है। अच्छा वैसे बीच में बच्चे भी यार बोल। अच्छा बीच में जो पड़ोसन आई थी ना उसे देख के तो मेरी शांति याद आ रही थी। शांति कौन? शरारत वाली। ओके अगर आपको याद हो शरारत ड्रामा लगता था नानी वाला, उसमें जो है शांति आती थी, वो भी कटोरा लेके हर टाइम कुछ ना कुछ मांगने आई होती थी। वैसे पता क्या, ये जो नेबर से मांगने का रिवाज काफी पुराना, मतलब मैं बचपन में देखूं तो फिर भी ऐसा होता था कि अगर कोई चीज नहीं है तो एक दूसरे के घर से मांग दी। लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि शायद ना होने के बराबर है, या मतलब शहरों में, या फिर अगर होता भी होगा तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने वैसे कभी अब इस तरह यहाँ पर अगर बात करें तो अब जो है काफी देर होगी ये चीज जो है हमने नहीं देखी, ट्रेंड जो है काफी हद तक जो है वो खत्म हो गया है, लेकिन जो है कहीं ना कहीं तो अभी भी जो है होता होगा गांव वगैरह में जो है आपको, या जो छोटे छोटे शहर है वहां पे आपको चीज देखने को मिलती होगी। अच्छा दूसरी बात, जो उनके शूज गुम हो गए भाई, अक्सर इस तरह होता है कि भाई शूज जो है ना वो आप आके रखते कहीं आपको मिलते कहीं और से हैं, और इतनी गलत टाइमिंग पे मिलते ना, जैसे इसने मिले हैं गलत टाइमिंग पे। तो वो अच्छा वैसे कुछ मोहल्लेदार भी ऐसे ही होते हैं भाई, जब तुम्हें पता घर में इतना बलबला मचा हुआ है तुम थोड़ी देर चुप कर जाओ, क्या नाम लेते हैं वो बेचारा
बाप बेचारा तो नहीं, खैर बाप आगे इतना गुस्सा हुआ है बच्चे बेचारे पर, और एंड पे आके ऐसी लूती लगा दी, ठीक है ना, और बाप ने तो उठा ही लिया सीधा। अच्छा वैसे मजे की बात ये, बच्चा बेचारा हो गया एकदम से। वैसे मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लग रही है कि वो मेडिटेट कर रहे हैं, और मतलब मेडिटेट करने के बाद भी वो इतना गुस्सा करते हैं उनका दिमाग, और अगर वो मेडिटेट ना करे तो उनका गुस्सा कितना ज्यादा होगा। अच्छा, अच्छा, वैसे शुरू में जब वो क्या कहते हैं कान पे यू लटका लूंगा, तुम्हारे तो कान ही नहीं है। फिर उसके बाद सर का जो ऐसा करते हैं ना हिलाते, वो भी बड़ा फनी लगा। लेकिन ये कि जो डायलॉग से जो सिचुएशन थी वो बहुत मजे की थी। वैसे बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं जो मतलब बाल की खाल बना देते हैं, खाल उतारते रहते हैं। सो मैं मतलब रियल लाइफ में ऐसे करेक्टर्स देखे हैं हम लोगों ने भी, भाई बड़ी अजीब अजीब लोग दुनिया पे हैं। औरतें बड़ी अजीब सी होती है ना, वहां पर मर्द भी कुछ बहुत अजीब से होते हैं। यार वैसे जो है ना इस तरह की एनिमेटेड होते हैं ना, वो देख के आपका मूड काफी ज्यादा फ्रेश हो जाता है, आप काफी ज्यादा जो है टेंशन भरी चीजों से जो है ना बाहर निकल आते हैं। कुछ दिमाग में टेंशन चल रही थी? नहीं टेंशन नहीं थी चल रही, वैसे एक बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं यार कि क्या नाम है, टेंशन हो रही होती है तो इस तरह की फनी वीडियो देख लेते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है देख कर। जब ऐसे ऐसे मर्दों को देखना बीवियां अक्सर वही बात है, बोलता ही रहता, बोलता रहे कोई गल नहीं है तो काम में बोलना। पता नहीं लोग कहते पता नहीं कौन से ऐसे गुनाह किए कि ऐसा बंदा मिला। और मल्ले वाले जो हैं वो कहते थे इस औरत की हिम्मत है जो ऐसे मर्द के साथ गुजारा कर रही है। अगर औरत भी ऐसी हो तो मर्द को भी बंदा बोलता है कि इस मर्द की हिम्मत है कि ऐसी औरत को झेल रहा है। बिल्कुल मतलब इक्वली मुझे लगता है कि दोनों साइड हम लोगों को ऐसी लोग देखने को मिलते हैं। बाकी जो घर है भाई वो तो काफी खूबसूरत और साफ सुथरा बनाया, इवन के पिक्चर्स वगैरह भी वॉल हैंगिंग में है। तो मतलब ये कि बड़ा एक प्रॉपर उन्होंने ना सिचुएशन बनाई थी। इवन इससे पहले भी हम लोगों ने जो वीडियोस देखी हैं उसमें यही भाई साहब होते हैं जो कि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा गुस्से वाले होते हैं। याद है हम लोगों ने एक वो कब्रिस्तान वाली देखी थी, उसमें भी सबसे एंग्री अंकल यही बने हुए थे। और मतलब एक चीज मेरी ये चल रही थी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है ना वो घर और लोकेशंस भी चेंज होती रहती है। बिल्कुल। अच्छा वो दूसरी जो पड़ोसन आई थी उनके सिर पे जो हेड था उसे देखे तो सबसे पहले हमें ऐसे लगे कि माता जी आ गई है, लेकिन हाँ लेकिन बाद में जो है ना वो तो पड़ोसन निकली, लेकिन उनके हेड से देखे ना कुछ इस तरह की फीलिंग आ रही थी जैसे वो कार्टून होते ना जिसमें वो झाड़ू पे बैठ के चुड़ैल जा रही होती है, वो टॉम एंड जेरी में होता था। बहुत सारे कार्टून में हमने देखा है तो उनके ना टोपी से ऐसे लग रहा था एकदम प्रकट हो गई थी। बीच में जो सार्केस्टिक जुगलबंदी थी वो बहुत अच्छी लगी, आप यहाँ आए किस लिए वे, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने ना मतलब इस्तेमाल किया इन सब चीजों का। एनीवे गाइस ओवरऑल बहुत मजा आया। और भाई इतनी लेट कौन कौन उठता है जरूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में, और घर वालों से डांट किस किस पड़ती है वो भी मैं जरूर जानना चाहती हूँ, क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम हम भी ऐसे ही हुआ करते थे। लेकिन अब मैं मतलब अब तो मैं बहुत जल्दी उठती हूँ उस मुकाबले में, वरना पहले 10 और 12 मतलब इतने बजे भी हम लोग उठ जाया करते थे। तो लेकिन यह है कि ये वाली मतलब जल्दी उठने से आप फ्रेश रहते हो, बट मैं जानना चाहूंगी कि भाई कौन कौन लेट उठता है और घर वालों से अच्छी खासी जो है वो बातें सुनने को मिलती हैं। और इसी के साथ गुड बाय।